गुड मॉर्निंग फ्रेंड, और आज है मॉर्निंग का ये नाश्ता। और आप लोग कैसे हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम लोग भी ठीक है, और यहाँ पे मॉर्निंग की हो रही है नाश्ता। और ये देखिए मेरे बाबू की खुशी, देखिए कितना ज़्यादा खुश है ये नाश्ता देख के। तो यहाँ पे देखिए फोटोशूट चालू है। अरे हाय तो करो। हाय, सबका फोटोशूट चालू है यहाँ पे। एक भी मौका नहीं छोड़ना है फोटो शूट करने, तो एंजॉय करने वाले हैं। और यहाँ पे आ गया है एक लेटा लेके आ गया। अरे ठीक से पकड़ना, तू छोटा खिलाओ ना। अरे आधा खाना अभी नया में निभा, एक ही बार धोखा होता है। दो बार किधर हो, किधर भाग चुन ला रहा। इसके बाद तो यहाँ पे मैं घर पे आ चुकी हूँ, और कपड़े वगैरह भी चेंज कर लिया है, और बच्चे को ली हूँ पढ़ने के लिए। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैंने बच्चों को होमवर्क दे दिया है। मतलब मयंक अपना कर रहे हैं, श्रांस को मैंने होमवर्क दिया है पढ़ने के लिए। और इन लोगों की मस्ती देखिए, देखा तो इन लोगों की मस्ती ऐसी रहती है। तो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, इसके लिए मैं लेटी हूँ, क्योंकि आज कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। क्योंकि दिन भर की जो भागम दौड़ हो जाती है ना, उसकी वजह से मुझे कुछ आज थकान सी भी लग रही। मुझे ऐसा लग रहा है बुखार वगैरह ना हो जाए, नहीं तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है। तो चलिए फिर देखती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, फिर खाना वगैरह भी बनाना है, फिर नेक्स्ट डे मिलूँगी आप लोगों। कौन ट्यूशन से आने बाद इतना मस्ती करता है, बोलो। हम हम इधर देखो, इधर देखो, कौन इतना मस्ती करता है ट्यूशन से आने बाद। हम इतना कौन मस्ती करता है, शांति से रहना चाहिए ना। हम ना रहे, आपको ट्यूशन से लेके आ गई हूँ। और अभी काम तो हो चुके हैं, बस कपड़े रह गए हैं, तो कपड़ा वगैरह धो के फटाफट। पहले इसको देखिए, मस्ती देखिए इसकी, चक्कर आ जाएगा। चक्कर क्या होता है मम्मा, चक्कर। तो अभी जा रही हूँ, अभी ट्यूशन से लेके आई, और आधा काम हुआ है, आधा नहीं मतलब पूरा हो चुका है, बस कपड़े रह गए हैं। तो जाऊंगी फटाफट, पहले कपड़े धोऊंगी, फिर इनको नाश्ता पानी, और फिर इनको रेडी करूंगी। ओके, तो चलिए फटाफट पहले मैं कर लेती हूँ काम, फिर उसके बाद बाबू को रेडी करती हूँ, फिर खुद रेडी होती हूँ। तो मैं स्कूल से आ चुकी हूँ, और सुबह इतनी घाई हो गई थी, मैंने बिल्कुल शूट नहीं किया। और बाबू को स्कूल छोड़ दिया है, और स्कूल से आ चुकी हूँ मैं। और प्लीज़ कमेंट करके बताना ज़रूर कि दही किसे किसे पसंद है, या ठंडी हो या। मुझे तो बहुत ज़्यादा दही पसंद है। मुझे मैंने इस तरीके से देख सकते हो, मैंने लिया है दही, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा शक्कर डाला है, और इसे मिक्स करूँगी। अभी काफ़ी ठंडी है, तो थोड़ा सा बाद में खाऊँगी, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। तो मुझे सर्दी तो होती है, पर क्या करूँ, पर मुझे पसंद भी बहुत ज़्यादा है। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि किन किन लोगों को दही खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो चलिए स्कूल से तो आ चुकी हूँ, और अभी फिर थोड़ा खा पी लेती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ। मैं अब जा रही हूँ खाना बनाने, और मैंने कपड़े वगैरह भी चेंज कर लिए हैं, और बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, एकदम थक गई थी आज। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने कांदा लिया है, इसे टोकरी में रखना है। और आज देखती हूँ खाने में क्या बनाना है, शेयर करूँगी। रेसिपी शेयर नहीं करने वाली, पर क्या बनाने वाली वो सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो पहले इस कांदे को मैं रख लेती हूँ फटाफट। मेरे पास इस तरीके का एक गमला है, तो मैं इसी में ही कांदा वगैरह, तो चलिए फटाफट मैं रख लेती हूँ। और ये मैं स्कूल से आते समय मैं लेके आई थी इसे, और देखिए रस्सी ने मतलब जो गांठ इस तरीके से मैंने कर दिया था ना, वो खुल ही नहीं रहा था।
तो अभी कांदे तो फिलहाल ऐसे ही मिल रहे हैं, मतलब छिलके निकले हुए, और पर ये है कि थोड़ा सा इसे इसे खुलते में रखेंगे ना तो थोड़ा सा अगर धूप, मेरे विंडो में इतनी धूप नहीं आती है, थोड़ी मोड़ी आती है, तो मैं वहाँ पे सामान नहीं रखती हूँ क्योंकि उधर सब सामान रहते हैं, इसलिए तो मैं ऐसे ही रख देती हूँ। मेरे किचन में भी थोड़ा सा धूप आता है तो मैं रख देती हूँ। तो इस तरीके से मैंने कांदे लिए हूँ और मुझे कांदा बहुत ज़्यादा लगता है तो मैं इकट्ठे ले लेती हूँ। मेरा 15-20 दिन आराम से निकल जाता है। और यहाँ पे पहले के भी बचे हुए कांदे हैं तो वो भी ऐड कर देती हूँ और इन सभी को एक साथ रखती हूँ और ऐसे ख़राब नहीं होते। ये दो निकाली हूँ मैं, मुझे सब्ज़ी बनानी है। कौन सी सब्ज़ी बनाने वाली वो भी बताऊँगी, रेसिपी शेयर नहीं करने वाली हूँ। अगर मैं कंटिन्यू कर पाई तो ज़रूर करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने रख दिया है और इस तरीके से मेरा जो किचन के नीचे वाला जो जगह है मैं इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से सेट कर देती हूँ। और किचन की जगह काफ़ी किचन के नीचे काफ़ी जगह है तो यहाँ पे मेरे जो है, और यहाँ पे बटाटा रखा है और यहाँ पे लहसुन, इन सारी चीज़ों को मैं एक साइड में ही रख देती हूँ। और जो सेकंड वाला है वो उस पर मैंने इस तरीके से टिफ़िन वगैरह या बर्तन बड़े बड़े होते हैं वो। और यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ मेथी की सब्ज़ी। और देखिए इस तरीके से हमने लिया था, दो जोड़ी ली थी तो इसे तोड़ के, और देखिए मेथी अगर आप रख रहे हो ना एकदम खिला खिला से रखिए, जिसे अगर आप दबा के रखोगे ना तो हाल इसका मतलब अंदर से सड़ने लगता है। इसके लिए मैंने इसे थैली में, आप पेपर में भी बांध के रखोगे ना बिल्कुल ख़राब नहीं होता है ये, तो इस तरीके से। और ये कल की है तो ये ख़राब हुई नहीं है क्योंकि मैंने सोचा चलिए आज इसे बना देती हूँ, नहीं तो ख़राब हो जाएगी ये। तो यहाँ पे एक एक पत्ती मुझे थोड़ा सा बोलते ना गला टाइप होता है, काला काला दिख रहा था तो उसे मैंने निकाल दिया है। और आज इसी की मैं सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। यहाँ पे देखिए ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक या दो ही इसमें हुए क्योंकि हमने ज़्यादा इसे दबा के रखा नहीं था। अगर आप जितना दबा के रखोगे ना वो जल्दी ख़राब होने के चांसेस होते हैं, तो इसे आप खिली खिली से ही रखिए। तो देखिए कितने खिली खिली ये सब्ज़ी है। और मैं आज इसी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ और रोटी दाल चावल आज नहीं बनाने वाली हूँ, तो बच्चों को भी आज मैं यही देने वाली हूँ रोटी भाजी। देखती बच्चे खाते हैं वरना नहीं तो उन लोगों के लिए कुछ और बनाना पड़ेगा मुझे। पर मुझे मेथी की सब्ज़ी हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है तो यहाँ पे फटाफट खाना बना लेती हूँ। अगर आप लोगों को ना मेरा ब्लॉग पसंद आता है ना प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। यहाँ पे देखिए खाना वाना हो चुका है, रात के सारे काम हो चुका है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना।